दोस्तों, बारिश के मौसम में हम सभी को कुछ ना कुछ तीखा चटपटा खाने का मन करता ही है, और कभी कभी लगता है ना कि मेहनत भी कम करनी पड़े। और ऐसा क्या बनाए जो सभी को पसंद आए, तो इसके लिए हमने यहाँ पे ना इसे इस कटलेट को बनाया है, जिसे हमने बिल्कुल घर के ही सामानों जो हमारे घर में हमेशा रहता है उससे ही। तो यहाँ हमने दो बड़े साइज का बॉयल आलू ले लिया है और उसे ग्रेट कर लिया है। आलू तो हम सभी के घर में रहता ही ना है। और उसके बाद इसमें इसे तीखा चटपटा करने के लिए ना कुछ मसाले हम ऐड करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे 2-3 हरी मिर्ची हमने कट करके ले ली है, आप चाहें तो थोड़ा ज़्यादा कम कर सकते हैं। और उसके बाद थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला का पाउडर, और थोड़ा सा ये पाव भाजी मसाला, जिससे इस नाश्ते का टेस्ट ना बहुत अच्छा हो जाता है। और ये थोड़ा सा मिर्ची पाउडर, उसके बाद थोड़ा सा कसूरी मेथी को हम क्रश करके डाल देंगे, और स्वाद के अनुसार इसमें नमक डालेंगे। नमक डालने के बाद ना इसे हमें मिलाना है, तो इसे हमें ना अच्छे से मिक्स करना है, जिससे सारे मसाले पूरे आलू में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और ये चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो रहा, तो इसे हम हाथों से अच्छे से मिलाएंगे। और दोस्तों, मैं एक चीज़ यहाँ पे डालना भूल गई, जो इस नाश्ते का ना बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। तो यहाँ पे हमने लिया आधा चम्मच के करीब में चाट मसाला। चाट मसाला से ना इस नाश्ते का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप यहाँ पे आमचूर का पाउडर या नींबू का रस भी थोड़ा सा डाल सकते हैं। और इन सबको अच्छे से हमने मिला लिया है, और थोड़ा सा इस मिक्सचर को लेकर हम हाथों से गोल कर लेंगे। और यहाँ पे हमने थोड़ा सा चीज़ लिया है, ब्रिटानिया का चीज़ है इसलिए इस कलर का दिख रहा है। तो यहाँ पे हमने यूज़ किया 2 चीज़, और इसे गोल करते हुए इसमें फिर थोड़ा सा इस टाइप से दबाकर बीच में हम चीज़ डाल देंगे, जिससे ये टेस्टी बहुत हो जाएगा। आप चाहें तो चीज़ के बगैर भी बना सकते हैं, या पनीर भी इसमें डाल सकते हैं। और फिर हमने इसे अच्छे से बंद कर दिया, और इसी तरह मैं दूसरा भी आपको दिखा रही हूँ। हाथों से गोल करते हुए इसको दबाकर इसमें बीच में चीज डाल देंगे, और चारों तरफ से बराबर इसे हम गोल करते हुए पैक कर देंगे, कहीं से क्रैक ना हो, नहीं तो चीज ना गर्म होने के बाद ना बाहर आ जाएगा। इसी तरह करते हुए हमने पूरे बॉल्स को बना लिया है। इसके बाद हम यहाँ पे एक बाउल लेंगे, और उसमें डालेंगे 1 कटोरी आटा। आप यहाँ चाहें तो आटा की जगह मैदा भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आटा से अच्छा बनता है। और 2 चम्मच के करीब में कॉर्नफ्लोर, कॉर्नफ्लोर ना हो तो आप मैदा इसमें डाल सकते हैं। और थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा कसूरी मेथी, और स्वाद के अनुसार थोड़ा सा नमक डालेंगे, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसे हम पानी डालकर इसका एक गाढ़ा सा बैटर तैयार करेंगे। आलू को ऐसे तो हम फ्राई नहीं कर सकते ना, इसलिए इस बैटर का होना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमने चीज़ जो भरा है ना इसमें वो बाहर नहीं आएगा। तो इसका बैटर हम ना गाढ़ा ही बनाएंगे, बहुत पतला नहीं, इसी टाइप का गाढ़ा रहेगा। और चलिए यहाँ पे अब इसके फिर से फ्राई करते हैं। इसके लिए हमने तेल पहले से ही थोड़ा गर्म कर लिया, थोड़ा क्या, तेल यहाँ पे हमें अच्छे से गर्म करना है, एक गर्म तेल में ही इसे हमें फ्राई करना है। और इसे इस तरह से एक बॉल डालेंगे, और इसमें ऐसे कोट करते हुए इसे निकाल लेंगे, और डायरेक्ट कढ़ाई में डाल देंगे। इसी तरह से दूसरा मैं दिखा रही हूँ, दूसरे बॉल को भी इसी तरह से डालेंगे, और इसे ऊपर से इस बैटर में डुबाते हुए अच्छे से कोट कर लेंगे, और इसे हम डाल देंगे। इसी तरह करके हम एक एक करके पूरे बॉल्स को इसमें डालेंगे, और थोड़ा इसे दूरी दूरी पे ही डालेंगे, नहीं तो एक दूसरे से चिपक जाएगा। और इसे हमें ना तेज गैस पे ही फ्राई करना है, और थोड़ा तेल ऊपर से भी हम डाल देंगे। और इसे फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि आलू तो हमारा अच्छे से पका ही है कच्चा, तो इसमें हमने कुछ यूज किया नहीं, तो बस ऊपर से अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाए, ऐसे हम उलटते पलटते हुए पका लेंगे।
नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ श्वेता और मेरे चैनल श्वेता कुकिंग एंड क्राफ्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती ना तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझे कमेंट करके भी बताएं। दोस्त, आप देखते तो हो लेकिन कमेंट नहीं करते हो, जिससे मुझे पता भी नहीं चलता है कि मेरी रेसिपी कैसी लग रही है आपको। तो इसी तरह हम ना सारे बॉल्स को एक एक करते हुए स्ट्रेनर पे निकाल लेंगे और इसे गर्मा गर्म ही सर्व करेंगे। तो चलिए फटाफट आप भी बनाइए और बताइए कैसा लगा ये रेसिपी और इसका नाम क्या होना चाहिए।